हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि गाजर का हलवा हम कैसे बनाते हैं अपने घर पर। कि हमने सोचा था कि लास्ट चल रहा है सर्दियों का टाइम, कि इस एक बार वो गाजर का हलवा हम घर पे बना के खा लेते हैं सारे लोग। तो हमने आज मम्मी से गाजर मंगाई है और पापा से खोआ मंगाया बाजार से। तो हम गाजर का हलवा बनाएंगे आज। तो अब हम 3 किलो गाजर लेकर आई हैं मम्मा। वो हमने अच्छे से सारी साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं पानी से, और अब हम उनको कस रहे हैं। और वैभव हमारी हेल्प कर रहा है गाजर कसने के लिए। आप देख सकते हैं दीदी के साथ वैभव, देखो कितने अच्छे से गाजर कस रहा है बैठ के। और बहुत ही अच्छी गाजर मिली है मम्मी को, अच्छी अच्छी। तो गाजर का हलवा आज हम बना रहे हैं। तो जो आज आपको भी बताएंगे कि हम अपना गाजर का हलवा घर पर हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं गाजर हलवा हम कैसे बनाते हैं घर पे। हमने गाजर सारी कस ली हैं और हमने अपने कुकर में सारी डाल दी हैं। उसके बाद हम घर का देसी घी उसमें हम डाल रहे हैं। 3-4 चम्मच देसी घी डालते हैं, और मम्मा तो 1 चमचा भर के डाल देती है पूरा बड़ा वाला, लेकिन हम 3-4 चम्मच डाल रहे हैं। और इसको डालने के बाद हमें ये बंद कर देना है कुकर देसी घी डालने के बाद, और इसमें 1 सीटी आए तब तक बंद कर देना है। इसमें सिर्फ 1 सीटी की ज़रूरत होती है, उसमें सारी हमारी गाजर हो जाएंगी, उसमें उबल जाएंगी अच्छे से। तो हमारी ये गाजर होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। इतने हम अब देखिए हमारी गाजर हो चुकी हैं। इसमें जो पापा खोआ लेके आए बाजार से, इसको मावा भी बोलते हैं बहुत जगह, तो इस खोए को हम सारे को इसमें हम डाल देते हैं। पापा 1/2 किलो खोआ लेके आए थे, और ये हमने सारा डाल दिया है इसमें। खोए को अच्छे से हमें मिक्स करना है 1 सीटी लगाने के बाद कुकर में। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से पूरी तरह, उसके बाद हमें इसमें चीनी डालनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आप मीठा खाते हो, जितना आप मीठा पसंद करते हो। कोई लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कोई कम मीठा पसंद करते हैं, तो हम तो ज़्यादा मीठा ही खाते हैं। तो अब इसके बाद खोआ अच्छे से जब मिक्स हो जाए, उसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। तो हमने चीनी ऐड की है इसमें अच्छे से। जब चीनी ऐड हो जाती है, उसके बाद अच्छे से जब चीनी ऐड होगी हमारी, देखिए उसके बाद चीनी ऐड होने के बाद हम एक बार और कुकर बंद कर देंगे 2री सीटी के लिए। 2री सीटी हम इसलिए लगा रहे हैं कि हाँ चीनी जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, खोआ मिक्स हो जाए। ये दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे। हम इसको जैसे ये बन जाएगा, उसके बाद हम इसको कढ़ाई में लेके थोड़ा इसको उबलाएंगे। इसको उबला के इसके जो भी पानी है थोड़ा बहुत, उसको सारे को जला लेंगे पूरा। जब तक पानी पूरा अच्छे से जल ना जाए, तब तक हमें ये उबालते रहना है। अब देखिए पानी जल रहा है, और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इलायची, बादाम, और जो आपको पसंद है नारियल गोला, और इसमें किशमिश, बादाम वगैरह हम सब चीज़ डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं, सारा सोख चुका है, वो जल चुका है पानी। तो अभी हमारा हलवा हो गया तैयार। अब इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इसको हम गर्मा गर्म अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। हमारा हलवा हो चुका है तैयार, और हमने एक थोड़ा एक डेकोरेट कर दिया है नारियल से, और थोड़े थोड़े बादाम डाल दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हलवा हमने आज घर पे बनाया है लास्ट बार। ये ठंड अब जा रही है, थोड़ा बना लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो ये है हमारा गाजर का हलवा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को अगर आप नए हो।